नो ब्रेक तू किधर जा रहा है एडम चाचा नॉट अलाउ हियर डोंट वरी ब्रो एडम हैज नो स्किल्स अंदर आने दे उस नुबड़े को हाँ ब्रो चिंता मत कर जिन जिन के वजह से तुझे सब नूब बोलते हैं ना उन सब का बदला लेगा आज हाँ हुकुम को छोड़ के सब इधर ही है हाँ अब हुकुम भी आ गया है लगता है हागने गया था हेलो ब्रो तुम में से स्काइलर कौन है मैं हूँ स्काइलर इस फ्री फायर में हमारा ही राज चलता है एडम जैसा नूब नॉट अलाउड हियर ओके एडम ब्रो मिल गया है तुझे नूब बोलने वाला हीरो साले तू एडम नहीं है नहीं। क्या है ना मुझे मेरा इंट्रो देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता चले आलोक ये क्या है नुबड़े जैसे सालों से खाया नहीं आलोक थोड़ा चिल्ला के बोल आवाज करके बोल इसे कहते हैं इंट्रो स्काइलर हो या क्रोनो मैं हूँ सबसे प्रो तुम सबका बाप हूँ सालो आई एम डीजे आलोक अब ये डीजे आलोक कौन है गेम पे देर से लॉन्च हुआ ना इसलिए तेरे को पता नहीं मैं तुम सबका बाप हूँ अच्छा। तेरा जमाना गया फ्री फायर पे अब हमारा राज चलेगा तू निकल यहाँ से फ्री फायर पे अगर तेरा राज चलेगा तो मैं क्या लूडो पे जाकर डीजे बजाऊंगा अभी भी बोल रहा हूँ तुम सबको बाप को साहब बाप बोल तेरा जमाना गया है नुबड़े अब तू हमको बाप बोलेगा पैर भी दबाएगा अच्छा। तो फिर बाप है कौन oh, no. अरे यही तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है कब से तुम्हारा बाप इधर बैठा हुआ है तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो साले बाप पे पैर उठाता है अब जोन के बाहर जाके अपना पापा गिरी देखा जा भाग यहाँ से यहाँ पे कोई भी मेरे तरह क्लासिक मैच नहीं खेल रहा है सबके सब ट्रेनिंग खेल रहा है अच्छा इसका मतलब यहाँ पे सबके सब नुबड़े हैं इनका थोड़ा गेम प्ले देख लेते हैं यही है राइस्टर का घर लगता है राइस्टर अभी कस्टम खेल रहा है साले ये तो अभी भी सो रहा है क्या यही है राइस्टर हाँ तो ए नुबड़े उठ जा मेरे को नुबड़ा कौन बोला है तेरा बाप नुबड़ा इतना गुस्सा मत हो जा यार तेरे लिए व्हाइट 444 ने एक लेटर भेजा है वही देने आया हूँ अच्छा। कहा गया बे वो लेटर हाँ मिला इसे मैं ही पढ़ लेता लेकिन मेरे को सिर्फ लिखना आता है पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता चले तू भी राइट स्टार मेरे यार जब तक तू ये लेटर पढ़ेगा तब तक मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा फ्रॉम फ्री फायर अच्छा। क्योंकि हैक यूज किया था पकड़ा गया हूँ इस बार तेरे पास जिस बंदे को भेजा हूँ वो है वर्ल्ड के बेस्ट नुबड़ों में से एक उसका एक्यूरेसी डैमेज रेट ऑफ फायर घट के जा चुका है -1001 फिर भी वो खुद को मानता है सबसे बड़ा प्रो ब्रो तू ही उसे नुबड़ों से बना सकता है प्रो ठीक है उसका नुबड़ा पंती देख देख के आप लगने लगा है डर सोच रहा हूँ मैं ही खेलना छोड़ दूंगा फ्री फायर इस बार ओके उसको वन टैप मार के बॉट भी उसे दिखाते हैं लोल नुबड़ो को लेके अब मैं क्या करूँ बोल अब तू टेंशन मत ले व्हाइट 444 ब्रो वो कितना भी हो गया है नुबड़े उसे मैं बनाऊंगा प्रो तेरा एबिलिटी मतलब एक्यूरेसी डैमेज रेट ऑफ फायर कितना है सब कुछ -1000 से भी कम वैसे तेरा एक्यूरेसी डैमेज रेट ऑफ फायर क्या है सब ट्रिपल प्लस इतना भी मात फेंक नुबड़े गेम खेलता हूँ ज्यादा मैं फेंकता हूँ कम दम है तो आजा कस्टम पे 1v1 मैं नहीं खेलता हूँ किसी बालहीन बालक मतलब काकले के साथ 1v1 तुझे नुबड़ों से प्रो बनाएगा ये टकला इसलिए इससे हाथ मिला मैं बनना नहीं चाहता हूँ प्रो इसलिए हाथ नहीं मिलाऊंगा विद नुबड़ों राइस्टर है हमारा नाम तुझे नुबड़ों से प्रो बनाना ही हमारा काम अच्छा। देख नुबड़े सुन बे व्हाट फ्री फायर लॉन्च होने से पहले भी मैं खेलता था फ्री फायर चले तू काल से दिन में 30 घंटा करके ट्रेनिंग खेल नहीं तो परमानेंट नुबड़ा बना के भेज दूंगा तेरा घर वैसे तेरा नाम क्या है नाम तो अभी तक नहीं बताया तू ओ सर सब मेरे को प्यार से डबल डैमेज -Lokesh Kumar बोलते हैं क्या बे राइस्टर बोले तो यही है ये तो पूरा फटा हुआ लैंडमाइन जैसा लग रहा है oh, no. अज्जू भाई बोले तो यही है ये तो क्लासिक मैच में भी जोन पुश करने वाला लगता है What? नुबड़ा समझा क्या मैं अकेला पूरा स्क्वाड खा लेता हूँ सिर्फ ग्रुअल लगाना नहीं आता मेरे को ये कौन है बे खुद को राइस्टर बोल रहा है और ग्रुअल लगाना नहीं आता अज्जू भाई ये वो वाला राइस्टर नहीं है ये डुप्लीकेट राइस्टर है साला पूरा मूड खराब कर दिया भगा यहाँ से इस नुबड़े को मैं क्लासिक खेल रहा था 10 रुपया वाला एक एयर ड्रॉप आया है उसे मार दो मैं चला जाऊंगा ये लो
अबे नूबड़े, मैं सिर्फ एयर ड्रॉप मारने को बोला, पूरा एरोप्लेन खरीदने को नहीं। रुक जा। उसने लोकेश गमार को नूबड़ा बोला, क्या ये बात सच है? उसका गेम प्ले देख के तो ऐसा ही लगता है। मेरे को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जो गान का नाम भी ठीक से नहीं ले पाता है, गोल्ड से ऊपर कभी गाया नहीं है, वो नूबड़ा नहीं तो क्या है? लोकेश के बारे में वो जो कुछ भी कहा है सब कुछ बिल्कुल सच है। मैं तो कहूंगा वो सिर्फ नूबड़ा ही नहीं, बॉट भी है। इसका मतलब चिमका डिराइव स्टार ने सबके सामने मेरा पोल खोला है। हमारा कस्टम का क्या होगा ब्रो? उसकी चिंता मत कर, सुना है लाइव स्ट्रीम पे लोकेश गमार भी कस्टम बनाता है। अच्छा। उधर से आईडी पासवर्ड लेके कस्टम पे घुस जाएंगे हम दोनों। चल लाइव स्ट्रीम देखते हैं। लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है। तुम कौन होते हो कहने वाले? लोकेश गमार। अमित भाई, हम दोनों डुओ वर्सेस स्क्वाड रैंक पुश कर रहा था। अच्छा। गलती से मैं नॉक हो गया था, ठीक है, लेकिन ये मेरे को नॉक पड़ा हुआ देख के भी भाग गई, मेरे को रिवाइव नहीं किया। अरे। और इधर एनिमी का फुल स्क्वाड मिल के मेरे को लॉल दिखा के पेल रहा था। और अब ये कह रही है कि इसका पिंग 9999 प्लस हो गया था, इसलिए मेरे को रिवाइव नहीं किया। अच्छा। अज्जू भाई, सुनीता झूठ बोल रही है, वो वाईफाई से खेलती है, उसकी पिंग हाई नहीं हो सकता। सही कहा अमित भाई, अब देख मैं उस नुबड़ी का क्या करता हूँ। साले 2 दिन के लंडे आ गया है लोकेश गमार से कस्टम खेलने। अच्छा। मेरे पास AK है, MP है, M10 है, M1887 है, तेरे पास क्या है नुबड़े? मेरे पास डबल वेक्टर है। बाप रे। डायमंड के अलावा अगर इन्हें हम लोगों को फ्री में कुछ भी नहीं देता है, क्या ये बात सच है? Yes, yes. सही कहा सर। Yes. तो फिर किसने कहा था गोल्ड रॉयल में रेड क्रिमिनल आएगा? ए साला नोबड़ा, लोकेश गमार बोला था, मार साले को। छह तू है ऐसे जिंदगी में, कोई भी हमको प्रो प्लेयर नहीं बोलता, सबके सब नोबड़ा बॉट बोल के चले जाते हैं। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। लोकेश भाई अब और बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। इस बात का फैसला अब कर ही लेते हैं। ठीक है। कौन सा फैसला? सीधा पैदल चलते हैं राइट स्टार का घर। अच्छा। और उसे पूछते हैं, हम लोग बॉट या तू प्रो प्लेयर? फिर वो कहेगा तुम सब बॉट हो। उसके बाद क्या हो गया फैसला? हम सचमुच बॉट है। हाँ साले नुबड़े।